नमस्कार मित्रों, मैं सुनीता और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने टेरेस गार्डन में। और आप देख रहे हैं इस समय एन एन सुनीता स्क्रीन कॉर्नर। तो फ्रेंड्स, कॉर्नर तो ग्रीन है, लेकिन ऐसा ही ग्रीन रहे इसके लिए इस गर्मी में बड़े सारे उपक्रम करने पड़ेंगे। अब देखिए, अभी 8:15 हैं और 8:15 ही धूप का ये आलम है कि खड़ा होना मुश्किल है। फ्रेंड्स, छत पर ग्रीन नेट भी लगी हुई है, ये देखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है क्योंकि थोड़ी छत कवर की है आधी, क्योंकि फिर पूरे में लग जाता है, पौधों को धूप भी चाहिए। लेकिन भीषण धूप, उनमें बेचारे हमारे पौधे कैसे सरवाइव करेंगे। आजकल तो हाल ये है कि आप सुबह पानी देकर जाइए और फिर दोपहर में आइए, शाम को आइए, एकदम से आपको मिट्टी सूखी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने नेट लगवा लिया, थोड़ी व्यवस्था हो गई, पानी हम देते ही रहते हैं। और लेकिन इसके बाद भी जो हमारी मिट्टी सूख जाती है, तो उसका कैसे इलाज किया जाए। हम सुबह पानी भर के जाएं या शाम को पानी भर के जाएं, जहाँ धूप पड़ी, सुबह की थोड़ी देर की धूप हुई भी, और फिर मिट्टी एकदम हमें सूखी दिखाई पड़ती है, तो पानी भी कितना दें और हमें पता नहीं चलता। बार बार पानी देने से हमारे, अगर मान लीजिए हमें ऊपर से मिट्टी सूखी दिख रही है और नीचे पानी रुक रहा है, तो पौधों की जड़ों को भी बड़ा नुकसान होता है और धीरे धीरे पौधा पीला पड़ के मर जाता है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब बातों से बचने, ताकि हमारे पौधों में नमी भी बनी रहे और हम वो सूखे भी नहीं और हमें बार बार पानी ना देना पड़े, तो हम अपने पौधों की मल्चिंग करते हैं। अब मल्चिंग क्या है कि हम मिट्टी के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आज बताऊंगी, इनकी एक लेयरिंग कर देते हैं ताकि मिट्टी ऊपर की सूखी नहीं और पौधों में नमी बनी रहे और हमें पानी भी कम देना पड़े। तो फ्रेंड्स, हमारे पास कई सारे साधन हैं जिससे हम अपने पौधों की मल्चिंग कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे अच्छी जो मल्चिंग होती है मेरे हिसाब से, तो वो है जो प्रकृति ने खुद हमें दे रखी है, पेड़ों की पुरानी पत्तियाँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास गिरी हुई पत्तियाँ हैं। अभी पेड़ से पत्तियाँ खूब गिर रही थी पिछले समय में, तो हमने खूब इकट्ठी करवा ली। सबसे अच्छी मल्चिंग इससे होती है क्योंकि हम अपने प्लांट्स में पौधों में पत्तियों की खाद भी डालते हैं, और इसमें ये जब हम इससे मल्चिंग कर देते हैं, इससे पानी पड़ता है और ये पत्तियाँ सड़ गल के नेचुरल ह्यूमस बनाती हैं और वो प्राकृतिक रूप से मिट्टी को पौष्टिक न्यूट्रिशन मिल जाता है। इसके बाद और भी कई चीज़ें हैं, अगर पत्तियाँ अवेलेबल नहीं है, वैसे तो मिल जाती हैं, हमारे प्लांट से भी पत्तियाँ गिरती हैं, जिनके घर के जिनके पास बेस में ज़मीन में कुछ प्लांट्स हैं, पौधे पेड़ हैं, तो उनसे मिल जाती हैं। और उसके अलावा भी हमारे सामने ये देख रहे हैं आप कई सारी चीज़ें हैं। ये दूसरी है धान की भूसी, ये भी जिनका नाता गाँव से है वो आराम से ले सकते हैं धान की भूसी। ये भी जब हम मिट्टी के ऊपर डाल देते हैं तो फिर मिट्टी सूखने से बच जाती है। इसके अलावा ये देखिए, नारियल की जटा है, इससे भी हम अपनी मिट्टी को ढक सकते हैं। नारियल की जटा के साथ साथ आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी कोकोपीट मेरे पास धुला हुआ नहीं है, क्योंकि जब हम मिट्टी के ऊपर डालेंगे तो धुला हुआ कोकोपीट ही डालते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये कंडे, ऐसे उपला कंडा जो गोबर से बना होता है, ये सूखा हुआ थोड़ा सा पुराना लीजिए और इसको भी तोड़ तोड़ कर आप अपनी मिट्टी के ऊपर मिट्टी को कवर कर सकते हैं। और ये भी चूँकि गोबर का है, तो प्राकृतिक रूप से इसमें न्यूट्रिशन आपको मिलता रहेगा आपके प्लांट्स को, और पौधे सूखेंगे भी नहीं। इसके अलावा ये भी अगर उपलब्ध नहीं है, तो सबके घरों में सामान आता है, तो हम गत्ते के टुकड़े का उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए गत्ते के टुकड़े, इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। आजकल तो ऑनलाइन लोग सामान मंगाते हैं या कहीं एक साथ आप सामान मंगाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गत्ते के अंदर आती है, तो आप उसको भी टुकड़े टुकड़े करके अपने
प्लांट्स के ऊपर मिट्टी पर डाल सकते हैं, और इससे भी पूरी वैसे ही बचत होती है और ये भी धीरे धीरे सड़गल के मिट्टी में मिल जाता है। और फ्रेंड्स, अगर वो भी नहीं है तो कागज़ सबके घर पर होता है, कागज़ से भी आप बड़े आसानी से कागज़ फाड़ लीजिए और उसकी एक परत आप अपने प्लांट्स की मिट्टी के ऊपर बिछा दीजिए, तो पौधे जो मिट्टी है एकदम सूखने से बची रहेगी, पौधों में नमी बरकरार रहेगी और इस ये तपती हुई गर्मी को आसानी से झेल पाएंगे। फ्रेंड्स, देखिए करेले की बेल है और इस पर फ्लावरिंग हो रही है, और अब चूँकि धूप तेज है तो अब इससे मल्चिंग करना ज़रूरी है, तो मैं ये पत्तियों से इसकी मल्चिंग कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने खूब अच्छी तरह से ये मिट्टी को देखिए करीब 1.25 इंच के लगभग दबा दिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे तो हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन भी मिलेगा और मिट्टी भी सूखने से बची रहेगी, तो ये हम गर्मी को आसानी से झेल लेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कुछ ये प्लांट्स मैंने ये धान की भूसी से कवर किया हुआ है और डाल दे रही हूँ मैं इसके ऊपर ताकि इसकी नमी बरकरार रहे। इसमें भी मैंने धान की भूसी डाल रखी थी और डाल दे रही हूँ मैं इसमें। ये देखिए मेरा ये कोचिया है, इसको मैंने ये कागज़ से कवर किया हुआ था, देखिए इससे पत्ती है, कागज है, इसी तरह से देखिए ये कंडे से भी कवर कर सकते हैं। ये भी पौधों को नमी से बनाए रखेगा, साथ साथ उसमें न्यूट्रिशन भी देता रहेगा। ऐसे देखिए नारियल के जटा का भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोको पीठ उसका कर सकते हैं। ये नारियल की जटा तो वैसे ही पानी को सूख के रखती है, तो ये वैसे भी प्लांट्स के लिए अच्छा है, नमी बनाए रखेगा। इसी तरह देखिए कागज़ से भी आप कवर कर सकते हैं, देखिए कोचिया का प्लांट है, मैं इसको कागज़ से कवर कर दे रही हूँ। कुछ भी हो, बस हमें क्या है इसकी नमी को बरकरार रखनी, बनाए रखनी है, पौधे एकदम गर्मी से मिट्टी झुलसे ना, उसमें नमी बनी रहे। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ तरीके, कुछ चीज़ें जिनसे आप अपने पौधों की मिट्टी को ढककर उसकी नमी बनाए रख सकते हैं और इस चिलचिलाती धूप में भी अपने पौधों को स्वस्थ, प्रसन्न, खिला, मुस्कुराता हुआ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद देखने के लिए, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।